नमस्कार दोस्तों, हिंदी वेब में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप शेयरइट का उपयोग अपने पीसी के अंदर किस प्रकार से कर सकते हो। इससे पहले दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको मेरे वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दे रहा है, आप इस पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि आपको मेरे जितने भी लेटेस्ट वीडियो है उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ आप किस प्रकार से अपने पीसी के अंदर की फाइल को अपने मोबाइल के अंदर और मोबाइल के अंदर की फाइल को कंप्यूटर के अंदर बिना केबल के ट्रांसफर कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल को ओपन करना है और गूगल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है SHAREit फॉर पीसी। तो मैंने यहाँ पे इसको सर्च कर दिया है और सर्च करने के बाद हमें यहाँ पे जो फर्स्ट साइट दिखाई दे रही है आपको इसे क्लिक करना है, क्योंकि इस साइट के द्वारा हम इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के लिए हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पे लिखा है डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन, हमें इसे क्लिक करना है जिससे कि ये डाउनलोड हो जाएगा। और दोस्तों, इसको मैंने पहले से अपने पीसी के अंदर डाउनलोड किया हुआ है इसलिए मैं यहाँ से डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। यदि आपको इसको डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ आप इसका उपयोग किस प्रकार से कर सकते हो। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने पहले से यहाँ पे इसको इंस्टॉल किया हुआ है। चलिए मैं इसको ओपन करके आपको बता लेता हूँ आप इसका उपयोग अपने पीसी के अंदर किस प्रकार से कर सकते हो। इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद आपको मैं बता लेता हूँ आप इसका उपयोग किस प्रकार से कर सकते हो। ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे जो सबसे पहले एक ऑप्शन दिखे देता है, जहाँ पे आप देख सकते हो एक आइकन दिखे दे रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद हम इसके अंदर चले जाते हैं, यहाँ पे हमें इसका जो भी नाम दे रहा है वो नाम दे सकते हो, फिर हमें यहाँ से जो भी इसका आइकन रखना है वो यहाँ से रख सकते हैं। इसके अंदर हमें जो मेन ऑप्शन दिखे देता है वो यहाँ पे है पासवर्ड। इसका पासवर्ड आपको जो भी यहाँ से रखना है वो रख सकते हैं। ये पासवर्ड एक हॉटस्पॉट का पासवर्ड है जिसे आपको अपने मोबाइल के अंदर कनेक्ट करना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पे इसको पहले से पासवर्ड सेट कर लिया है, आपको यहाँ से जो सेट करना है वो कर सकते हो, फिर आपको सेव पे क्लिक करना है। दोस्तों, आपको इसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए जो यहाँ पे हॉटस्पॉट दिखे दे रहा है आपको अपने वाईफाई के द्वारा इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए यहाँ से आपको जो पासवर्ड हो रहे हैं वो आपके अपने मोबाइल के अंदर लगाना है, फिर आपको इसको कनेक्ट करना है। और कनेक्ट करने के बाद आप जो भी फाइल इसके अंदर सेंड करना चाहते हो वो कर सकते हो, और जो भी फाइल इसके अंदर से उसके अंदर भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो। पर दोस्तों, इसके अंदर जो सबसे बढ़िया तरीका है वो ये है कि आप QR कोड के द्वारा डायरेक्ट अपने मोबाइल के अंदर से पीसी के अंदर फाइल ट्रांसफर कर सकते हो, और पीसी के अंदर से अपने मोबाइल के अंदर फाइल ट्रांसफर कर सकते हो। आपको QR कोड शो करने के लिए इस पर क्लिक करना है और फिर इसे अपने मोबाइल के द्वारा इसको स्कैन करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ आप किस प्रकार से इसको स्कैन कर सकते हो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं अपने एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर आ चुका हूँ, यहाँ से मुझे अपने SHAREit को ओपन करना है। तो चलिए मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद हमें इसको अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक आइकन दिखे दे रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा कनेक्ट टू PC, हमें इस पर क्लिक करना है। यदि आप डायरेक्ट वाईफाई के द्वारा कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आपको वाईफाई का एक आइकन दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, आप देख सकते हो डायरेक्ट इसको अपने वाईफाई के द्वारा कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, जिससे कि ये कनेक्ट हो जाएगा। यदि आप QR कोड के द्वारा इसको स्कैन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है स्कैन टू कनेक्ट, हमें इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद हमें इसको यहाँ से स्कैन करना, तो चलिए मैं इस कोड को यहाँ से स्कैन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने यहाँ से इसको स्कैन करना शुरू कर दिया, तो ये स्कैन हो चुका है। फिर हमें यहाँ पे इसको नेक्स्ट स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, ये यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। यदि हमें यहाँ से इसके अंदर से कोई फाइल ट्रांसफर करनी है तो हमें सबसे पहले जो भी फाइल ट्रांसफर करनी है वो यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं अपने मोबाइल के अंदर से कोई फोटो इसके अंदर ट्रांसफर कर देता हूँ। अब जैसे मैं चाहता हूँ इस फोटो को मुझे अपने पीसी के अंदर ट्रांसफर करना, मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, फिर यहाँ से मैंने इसको नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे इसको ट्रांसफर हो चुका है। यदि मैं अपने कंप्यूटर अंदर से कोई ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इस पर क्लिक करके कोई भी फोटो को अपने मोबाइल के अंदर ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो चलिए मैं इस फोटो को अपने मोबाइल के अंदर ट्रांसफर कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर यहाँ से ओपन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे ये ट्रांसफर हो चुका है। तो इसी प्रकार से आप अपने कंप्यूटर के अंदर की फाइल को मोबाइल के अंदर और मोबाइल के अंदर की फाइल को कंप्यूटर अंदर सेंड कर सकते हो बिना किसी केबल के द्वारा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।